सच ये है कि कल आपको ये भी नहीं पता कि कल आपके खिलाफ क्या कानून बनेगा। एनआरसी खिलाफ कानून बना किसने आपसे पूछा क्या? जब सीए पे कानून ना आपसे किसने पूछा क्या? जब किसानों के खिलाफ कानून ना किसान ने किसने पूछा क्या? जब अभी कुछ दिन पहले ड्राइवरों के खिलाफ कानून ना ड्राइवरों से किसने पूछा क्या? तो इसका मतलब ये तो तानाशाही का दौर चल गया कि जब मुल्क आजाद हुआ तो आपकी जिंदगी में वो आजादी कब आएगी कि आप गरीबी से ऊपर उठ के आप सुख शांति का जीवन ले पाओगे। कोई मीडिया का व्यक्ति सवाल उठाता जेल में भेज देते हैं, कोई दलित अपनी आवाज उठाता है नक्सली का आरोप लगा के जेल में भेज देते हैं, कोई मुसलमान अपने हकूक की बात करता तो आतंकवादी बता देते हैं, कोई सिख अपनी बात करने किसान जाता है नक्सल खालिस्तानी बताने लग जाते हैं। इस मुल्क को हो क्या गया? वो दिन दूर नहीं जब सेना उनके हिसाब से काम करेगी, क्योंकि जिनकी सरकार होती है उनकी सेना होती है। तो इस देश में हम जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुए थे, आने वाले कल में हम अडानी अंबानी के गुलाम हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको बहुत कोई बात अच्छी लग जाए, मैं अपने बहुजन समाज के हालात जानता हूं। ये जो दलित पिछड़ा मुसलमान आदिवासी सिख जैन बौद्ध है ईसाई है, मैं इसके हालात जानता हूं। जरा सा कुछ मिलता है खुश हो जाता है बहुत, और जरा सी कोई मुसीबत आती है तो घबरा जाता है बहुत। तो ना तो खुश होने से कुछ होता ना घबराने से कुछ होता, हर बात का मुकाबला करना पड़ता है और जो मुकाबला नहीं करेगा उसका वजूद मिट जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा ताली ना बजाए, बस सिर्फ कुछ देर मुझे सुने। ये चुनावी लड़ाई नहीं है, इस मुल्क में अब चुनावी लड़ाई नहीं बची है। इस मुल्क में कमजोरों मजलूमों हक के वंचितों नौजवानों किसानों महिलाओं के वजूद की लड़ाई, जो स्वाभिमान सम्मान का जो जीवन है उसकी लड़ाई आन पड़ी। ये मुल्क आजाद भारत, लेकिन जिन सपनों को लेकर आजादी आई थी वैसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ सांस लेना, सिर्फ रोटी खा लेना, सिर्फ कुछ चुनिंदा जगह पे चले जाना, ये आजादी नहीं। आजादी का मतलब है अधिकार। इस देश में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अधिकार, इस देश में स्वतंत्रता कैसी, अपने धार्मिक स्थलों पे जाने की, अपनी इबादत करने की, अपनी तरक्की करने की। इस देश में जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा के बच्चे पैदा होते ही उनके माथे पे लिखा होता था कि ये राज करेंगे और बाकी सब लोग गुलाम रहेंगे। लेकिन इस देश में जब संविधान आया, इन सपनों के साथ आया कि जिनके पास वोट होगा उनका राज होगा, जिनकी संख्या होगी वो मिलजुल के राज में बैठेंगे और कभी हर 5 साल बाद किसी अन्य व्यक्ति को मौका मिलेगा जिसको जनता चाहेगी। जो जनता के काम नहीं करेगा जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी, और जनता की जो उसका साथ देगा, गरीबों का हमदर्द होगा, गरीबों की आवाज बनेगा, जनता उसे ताकत दे देगी। लोकतंत्र इसलिए आया था कि राजतंत्र में अमीर लोग राज करते थे, अगर अमीर ही राज करेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। अमीरों के चंगुल से छुड़ा के हमारे महापुरुषों ने हमें लोकतंत्र दिया कि गरीब का बेटा भी अपने लोगों के वोट से ताकतवर हो सकता है, इसलिए आया था लोकतंत्र। लेकिन आज लोकतंत्र क्या बन गया, जिनके पास जो राजा महाराजा थे उन्हीं की औलादों ने पैसे के आधार पर राजनीति करना शुरू किया। और जब पहली बार वोट का अधिकार मिला, पहले तो कोई चाहता नहीं था कि इस देश के कमजोर हक वंचित समाज के लोगों को वोट का अधिकार मिले। जब बाबा साहब वोट की पैरवी कर रहे थे तो वो वोट के अधिकार को देने को राजी थे। वो बाबा साहब कहते कि वोट हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। बाबा साहब ने घूम फिर के देखा कि इस देश में तो बहुत बड़े पैमाने पे कमजोर मजलूम लोग पढ़ाई से वंचित है, रोजगार से वंचित है, अधिकार से वंचित है, खेती से वंचित है, कारोबार से वंचित है। तो अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि इस देश की पॉलिसी क्या होगी तो फिर ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। सच ये है कि कल आपको ये भी नहीं पता कि कल आपके खिलाफ क्या कानून बनेगा। आप अपने दिलों पे हाथ रख के देखो इस देश में क्या हो गया। आप मेरी बात को दिल पे, मेरी बात को इसलिए एहसास करना क्योंकि मैं आप में से एक हूं, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ रहा, इसलिए मेरी बात को करना। लोकतंत्र का मतलब था जनता द्वारा जनता का शासन, कि जनता जो चाहेगी उनकी हमदर्दी के लिए कानून बनेंगे। लेकिन आज कानून बनते तो आपसे कोई पूछता है क्या? एनआरसी का कानून बना, आप बताओ ईमानदारी से, आपसे किसने पूछा क्या? जगह यार, एनआरसी खिलाफ कानून बना किसने आपसे पूछा क्या? जब सीए पे कानून ना आपसे किसने पूछा क्या? जब किसानों के खिलाफ कानून ना किसान ने किसने पूछा क्या? जब अभी कुछ दिन पहले ड्राइवरों के खिलाफ कानून ना ड्राइवरों से किसने पूछा क्या?
जब जीएसटी लागू हो व्यापारियों के लिए तो क्या कभी किसने पूछा कि व्यापारियों से? जब नोटबंदी की प्रधानमंत्री ने किससे पूछा गया? तो इसका मतलब ये तो तानाशाही का दौर चल गया कि जो सत्ता में बैठा है कुछ परसेंट वोट लेके उसका जो मनाए वो करे, जिस तरह से चलाए, जो कानून थोप दे, जिस तरह से गुलाम को गुलामों पर कानून थोपे जाते थे उसी तरह से गुलामों के ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं। जिस चीज की ओर उंगली कर दे सरकार भी उनकी और कोर्ट भी उनका, वही उनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो कि मुल्क में बचा क्या? जिस चीज की तरफ उंगली कर देते हैं और जिस चीज पर जाकर बैठ जाते हैं कानून, चाहे वो वर्सिप एक्ट हो 1991, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। और आपने जिन आवाजों को ताकत दी कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे उनको देखो, कोई सीबीआई से डर गया है, कोई इनकम टैक्स से डर गया है, कोई ईडी से डर गया है, कोई मुकदमे से डर गया है, कोई जेल से डर गया है, और जिसने कुछ करके दिखाया वो जेलों में सड़ रहा है। आप आजम भाई को देख लो, ये आपके सामने। मैं बस आपको ये पूछना चाहता हूं कि जब मुल्क आजाद हुआ तो आपकी जिंदगी में वो आजादी कब आएगी कि आप गरीबी से ऊपर उठ के आप सुख शांति का जीवन ले पाओगे? जो आप कारोबार रोजगार करते हो उस पर सरकार की नजर है, जीएसटी के छापे भी आपके पास लगते हैं, और हर जुर्म का शिकार भी आपको होना पड़ता है। जिसको मनाए, जिस मुकदमे में उठा के पुलिस इनकाउंटर करे या ले जाए जेल बनाए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप इसको आजादी मानते हो? नहीं, ये आजादी नहीं। असल आजादी वो होती है जिसमें जनता के सवालों का जवाब नेताओं को और सरकार को देना पड़ता। आज क्या है, आप सरकार से एक सवाल पूछ लो, चाहे आप मीडिया के लोग हो या ऐसे जो हमारे नौजवान वहां गेट के पास खड़े होके, तो इनकी बात कोई सुनने को राजी नहीं है? कोई मीडिया का व्यक्ति सवाल उठाता जेल में भेज देते हैं, कोई दलित अपनी आवाज उठाता नक्सली का आरोप लगा के जेल में भेज देते हैं, कोई मुसलमान अपने हक हकूक की बात करता तो आतंकवादी बता देते हैं, कोई सिख अपनी बात करने किसान जाता है नक्सल खालिस्तानी बताने लग जाते हैं। इस मुल्क को हो क्या गया? इस मुल्क को होया गया है कि अभी ये मुल्क हमारे हमारा मुल्क पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की गोद में चला गया। अडानी के जो रिश्तेदार हैं, जो देश में शासन सत्ता चला रहे हैं, वो इस देश की सारी सरकार सिस्टम को बेच के अडानी अंबानी की गोद में उनके हाथ में दे रहे। एक दिन वो दिन दूर नहीं, मेरी बात पर गौर करना। ये दो बातें याद रखना और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को बताना कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो तो दो चीजें करनी पड़ती है। पहली, उस देश के पूरे व्यापार पे कब्जा करना पड़ता है। धीरे धीरे सारी सरकारी दुकानें, छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी और अडानी अंबानी के बड़े बड़े शोरूम आपकी गलियों में, आपके कस्बों में, आपके मोहल्लों में, आपके जिलों में, आपकी विधानसभा में, आपके नगरों में आपको दिखाई देंगे, और दूध से लेकर जहर तक आपको उन मॉलों से खरीदना पड़ेगा। कोई छोटी दुकान नहीं रहेगी। जब छोटी दुकान नहीं रहेगी तो कारोबार खत्म हो जाएंगे। और देख लो आप किस तरह से पूरे सिस्टम को अडानी को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, रेल बेच रहे, भेल बेच रहे, और तो आने वाले समय में सांस लेने का अधिकार भी बेच देगी ये सरकार। दूसरा, उस देश की सेना को अपने कब्जे में ले लो। इस देश में अग्निवीर योजना लाके इस सरकार ने किसानों, कमेरों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चे जो आर्मी में चले जाते थे, चार साल की नौकरी करके उनका उनकी जो हिम्मत थी देश की सेना, देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की शक्ति बनने के लिए, वो हिम्मत तोड़ दी। अब सिर्फ अपने विचारधारा के लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सेना में अघोषित कब्जा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हो जाएगा। मैं अपनी देश की सेना से बड़ा प्यार करता हूं, उनकी हिम्मत से बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बादशाह के अगले कदम को जानता हूं कि वो क्या करने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सेना उनके हिसाब से काम करेगी, क्योंकि जिनकी सरकार होती है उनकी सेना होती है। तो इस देश में हम जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुए थे, आने वाले कल में हम अडानी अंबानी के गुलाम हो जाएंगे, और हमें रोटी रोजी के लिए भी उनकी फैक्ट्री कंपनी में मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता सब छिन जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार इस देश में शासन सत्ता करने के लिए दिया था, जिनको अपमानित किया गया, मुझे रखने पे, घोड़ी में बैठने पे, मटकी छूने पे, जिनको अपमानित किया गया, जिनको कारोबार नहीं करने देंगे, पढ़ने नहीं देगा, अच्छे मकान नहीं बनाने देंगे, उनको
उनको भी राज करने की ताकत करने के लिए बाबा साहब ने वोट की ताकत दी। लेकिन आज उस समाज के हालात देखो, आज उस समाज के हालात ये है कि वो राशन पे वोट करने लगा है, वो चंद पैसे पे वोट बेचने लगा है, या फिर वो वोट देता भी है तो ऐसे लोगों को वोट देता है जो उनकी वोट को लेके वोट को ऐसे डकार जाते हैं जैसे ताकतवर व्यक्ति किसी गरीब का हक डकार जाता है। आप महसूस करके देखो कि जिनको 5 साल पहले आपने वोट दे दिया, आप दिल में अपने हाथ रख के बताओ क्या पूरे 5 साल में एक बार आपने उसको अपनी गली में देखा? क्या पूरे 5 साल में आपने एक बार पार्लियामेंट में देखा उस आदमी को? अगर उसने एक बार नगीने की आवाज उठाई है, क्या नगीने में हर व्यक्ति खुशहाल है? आप मुझे बताओ ईमानदारी से, क्या नगीने में एम जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है या नहीं? आप बताओ मेरे लोगों, मुझसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एम जैसे हॉस्पिटल की जरूरत नगीना में नहीं है क्या? आज यहां से मुझे अच्छी तरह याद है, नेटवर्क में मेरे साथी थे सलीम सिद्दीकी, मेरा छोटा भाई, उसको रात को दिल का दौरा पड़ा, उसके परिवार के लोग लेके भागे धामपुर की तरफ, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अगर यहां अच्छा हॉस्पिटल होता तो मेरा भाई सलीम आज जिंदा होता। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस क्षेत्र में, जिले में बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन आपके नेताओं ने एक बार जाके वहां हॉस्पिटल में खड़े होकर नहीं कहा कि हमारे हजारों लोगों की जान चली गई है, एक एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए। जब आपके नेताओं ने नहीं कहा तो सरकार तो वैसे भी आपको नहीं देना चाहती। आपके नेताओं ने नहीं कहा कि वहां पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो गरीबों के बच्चों को भी आसानी से शिक्षा मिले और वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़े, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, वहां कोचिंग सेंटर की जरूरत है। आपके नेताओं ने नहीं कहा कि आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए जिससे लाखों नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिले, लाखों पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था हो। आपके नेताओं ने नहीं कहा कि ये जो बैकलॉग आपने SC ST OBC का पकड़ रखा है, ये खाली बैकलॉग पड़ा है, इस खाली बैकलॉग को आपको भरना चाहिए। ऐसे प्राइवेट किया जा रहा है, कल अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो दलित वर्ग के लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है, धर्म के आधार पर गैर बराबरी है, तो आपके बच्चों को कुर्सी पर कौन बिठाएगा इस देश में? और कोई भी नहीं बिठाएगा, और आप उससे बचाव की तैयारी भी नहीं कर रहे। भाई मैं समझता हूं किसी का अगर मकान टूटा हुआ है, बरसात आने वाली है, तो वो तैयारी करता है कि भाई बरसात से मैं बच जाऊं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि देश गुलाम होने की तरफ है, देश को बेचा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने घर में हाथ पे हाथ रखकर बैठे। ऐसा लगता है कि आप अपने देश में अपने आप को दोनों दर्जे का नागरिक मानने लगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये मुल्क भी आपका है, ये देश भी आपका है, और इसमें आप किरायेदार नहीं है, आप इस देश में बराबर के हिस्सेदार हैं। आप अपनी ताकत को पहचानो मेरे लोगों, अपने हर हकूक की लड़ाई लड़ो। जब तक आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ोगे, आपके टूटे हुए घरों को, आपके उजड़े हुए घरों को कोई देखेगा नहीं। मैं देश भर में घूमता हूं, मैं यहां भी घूम रहा हूं, मैं देखता हूं आज भी खाने के लिए रोटी नहीं है, और पेंशन के नाम पे, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन के नाम पे 500 रूपये थमाए जाते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, 500 रूपये में तो 2 दिन का भोजन भी सही तरह से नहीं आता एक परिवार का। क्या मजाक कर रहे हो गरीबों से? ऐसा जैसे मालिक वो अपने पालतू जानवर की तरफ ऐसे कुछ खाना बढ़ाता छीन लेता है। इस तरह से खून के आंसू रोने के लिए देश में गरीब मजबूर है। या आप महसूस करके देखो, सरकार ने आमदनी तो नहीं बढ़ाई, लेकिन महंगाई कैसे बढ़ी आप देखो। 350 रूपये का सिलेंडर 1150 रूपये का, 120-130 रूपये का आने वाला बिजली का बिल 500-600 रूपये का, और 20 रूपये की आने वाली दवाई आज 100 रूपये की हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम दुगने हो गए हैं, और अब अगर आमदनी पूछो तो 0। मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन काम का वादा करके 25 दिन काम नहीं मिल रहा है, ठेकेदारी पे 7,000, 8,000, 9,000, 10 में 10,000 रूपये में गरीबों के खून नोचा जा रहा है, गरीबों की खाल उतारी जा रही है। इस देश में आप ये बताओ, आपकी नस्लें आने वाली करेंगी क्या? जब आपका आदमी कुर्सी पर नहीं बैठा होगा, और वो कुर्सी बैठ के कलम से आपके पक्ष में फैसले नहीं करेगा। कानून सड़क में नहीं बनते हैं, कानून पंचायतों में नहीं बनते, कानून बनते सदनों में। सदनों में आप गुंगे बहरे लोगों को भेजते हो, और आप ये सोचते हैं आपकी लड़ाई लड़ोगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगा। आप महसूस करो, 2018 का समय था, SC ST एक्ट को कमजोर किया गया था, 17 लोगों ने कुर्बानी दी। मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे आदिवासी समाज के लोगों, बताओ भीम आर्मी के अलावा कौन खड़ा था आपके साथ? पूरी जिम्मेदारी से बताओ।
अगर इस देश में कोई खड़ा था तो भीम आर्मी के लोग खड़े थे और भीम आर्मी के 17 नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान करके इस देश के SC/ST एक्ट को बचाने का काम किया, संविधान की रक्षा करने का काम किया। जब दिल्ली में कोई घर टूटा सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े थे जिन्होंने अपनी पीठों पर लाठियां खाके 96 लोगों ने 66 दिन जेल में रहकर केंद्र की सरकार को नाक रगड़वा के आपके गुरु घर को बचाने का काम किया। ये ताकत थी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, ये ताकत थी आपके चंद्रशेखर आजाद की। जब औरैया में आपको याद होगा भी एक वीडियो वायरल हुई कि एक बहन ने कहा कि मेरे पति को मार दिया है, मेरे ससुर मेरी सास को मार दिया है, चंद्रशेखर भैया मेरे घर आ जाओ, मेरी मदद कर दो, मुझे मार देंगे। तो मैंने यहाँ का काम छोड़ा, मैं औरैया गया और उसको बहन को वचन दे के आया कि तुझे हवा भी नहीं लगने दूंगा, तेरा भाई वचन देता है। जितने ताकत है मेरे में लड़ रहा हूँ, वहां के अधिकारियों से लड़के आया, उसकी पेंशन बनवा के आया, उसके बच्चों की जब तक वो बड़े ना हो जाए पढ़ाई की व्यवस्था करके आया, उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था करके आया, जो भी कर सकता था करके आया। आप याद करो मेरे लोगों, हाथरस का अन्याय आपने देखा होगा, जब उस बच्ची को मार के जालिमों ने उसके साथ अन्याय किया और कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, तब चंद्रशेखर आजाद पहले गाड़ी में, फिर बस में, फिर मोटरसाइकिल पे जाकर उसकी आवाज उठाने काम किया और फिर चंद्रशेखर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से जिगर आने जाके उसी गांव में खड़ा होकर उस परिवार को विश्वास दिला के अकेला मत समझना और उन गुंडों को जेल भिजवा के उन गुंडों को सजा दिलाने का काम किया। ये ताकत पैदा की है आपने चंद्रशेखर आजाद में। आप याद करो, यही इसी मेरठ में एक व्यक्ति को पैसे मांगने पे मार के लटका दिया गया, उसके आवाज बनने काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। दो पार्षदों को शांति रूप से पीटा गया, उनके आवाज बनने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। सबीरपुर में जब हमारे घर जलाए गए तो 600 दिन के लगभग 16 महीने मैंने 10x6 की कोठरी में जेलें काटी, 10x6 की कोठरी में जेल काटी और कभी उठने की जालिम के सामने घुटने नहीं टेके और निकलते ही इस भाजपा सरकार से फिर से मोर्चा लेकर लड़ने का काम किया। आप याद करो, कोई ऐसा जगह नहीं है यहाँ बिजनौर में भी, अगर आपको याद होगा, खिलाड़ी थी हमारी बहन, वही रेलवे स्टेशन के पास उसकी लाश बरामद हुई, अगर आपको याद हो, बबली, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं सारे काम छोड़ के यहाँ आया। जहां मेरी जरूरत पड़ी मैंने 24 घंटे 7 दिन आपकी लड़ाई लड़ी, कभी आपको पीठ नहीं दिखाई। कोई मामला चाहे देहरादून में नैनसोट का मामला है, जब 7 साल की 5 साल की आपकी बच्ची को अपमानित किया गया, मैं सीना ठोक करके वहीं गया और सरकार से कह के आया कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार की इंस्टेट बजा दूंगा। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, NRC के आंदोलन में कौन था जवान मस्जिद में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, जिसने आपको वचन दिया कि अपने आपको अकेला मत समझना, वो चंद्रशेखर आजाद था कोई और था, आप अपने दिल से बताओ। जब मौलाना शाह साहब को, जब नियाजुद्दीन मरकज को, जब तबलीगी जमात को इस देश में बेइज्जत आरोपित करने काम किया तो चंद्रशेखर आपके साथ सीना थान के खड़ा था नहीं खड़ा था। जब मौलाना करीम सिद्दीकी को जेल भेजा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, मौलाना करीम सिद्दीकी के घर कौन गया, आप अपने दिल से पूछो। जब तबलीग को यहां कासगंज में मार के लटका दिया गया उसकी आवाज बनने के लिए कौन गया। जब रफी जुनेद को राजस्थान में मार दिया गया और हरियाणा इलाके में दोनों बच्चों को जिंदा जलाया गया तो इस पूरी सरकार के खिलाफ कौन लड़ा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।